जयपुर से बड़ी खबर है, 70 सालों के बाद राजस्थान की मुराद पूरी होने वाली है। जी हां, राजस्थान की धरती पर एक बार फिर से चीते दिखाई देंगे। मुकुंदरा में छोड़ जाएंगे कूनों से लाकर 3 चीते। मुकुंदरा में ये चीते कूनों नेशनल पार्क से लाकर छोड़े जाएंगे और चीतों को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने 21 अप्रैल को फैसला किया। जल्द ही NTCA की तरफ से कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और बाकायदा इसके लिए एक समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह के आयोजन के दौरान ही चीतों को मुकुंदरा में छोड़ा जाएगा। वन विभाग की ओर से चीतों के ट्रांसलोकेशन की तैयारियां भी शुरू हो गई है और ये बहुत बड़ी बात राजस्थान के लिए, क्योंकि 70 साल के बाद राजस्थान की मुराद पूरी होगी। 70 साल से कोशिश की जा रही है लेकिन राजस्थान की धरती पर एक बार फिर से चीतों की दहाड़ सुनाई देगी। मुकुंदरा में कूनों नेशनल पार्क से लाकर चीते छोड़े जाएंगे। आपको ज्ञात होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2 बार बाहर से जब वहां पर चीते लाए गए तो उसके विधिवत पूरा एक बकायदा एक आयोजन के जरिए उन्हें छोड़ा गया, लेकिन अब उसके बाद राजस्थान में उनकी दहाड़ सुनाई देगी। पूरी जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, राजस्थान के हिस्से में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और खासतौर पर वन्यजीव प्रेमियों के लिए टूरिज्म में लगातार पंख पसारा है राजस्थान और अब चीतों की दहाड़ भी राजस्थान में सुनाई देगी। निर्मल जी, क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? देखिए, बहुत बड़ी खबर है राजस्थान के लिहाज से और हम तो पहले बात से प्रयास कर रहे थे जब चीतों को दक्षिण अफ्रीका और केन्या से लाने की बात चल रही थी, तभी ये कहा जा रहा था कि चीतों को राजस्थान भी लाया जा सकता है। जी, जिस तरह का कूनों का जो पूरा एक वातावरण है, वैसा का वैसी जलवायु, वैसा का वैसा ही मौसम मुकंदरा और शाहबाद क्षेत्र के आसपास का पूरा उस तरह से ही है। और देखिए, मुकंदरा को पहले भी जो NTCA की एक्सपर्ट कमेटी थी उसने भी माना था कि यहाँ पर चीतों को बसाया जा सकता है, लेकिन MP बाजी मार गया था और वो कहते हैं कि देर आया दुरुस्त है, वो वाली इसलिए MP में जब चीतों का पुनर्वास किया गया बैठक केन्या से और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से, उसमें 2 चीतों की मौत हो चुकी है। उसके बाद भी ऐसा लगा NTCA को और किसी तरह से इन चीतों पर और कोई परेशानी ना आए, इसके तो कोशिश की जानी इनको राजस्थान में बसाया जाए, यानी 2 वायु में 2 अलग अलग देश में इसको बसाया जाए ताकि चीतों की आबादी भी बढ़े और चीतों को सुरक्षित रखा जा सके। तो उसके लिहाज से पिछले दिनों 21 अप्रैल को जो एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, उसमें फैसला कर दिया गया था कि 3 चीतों को राजस्थान भेजा जाएगा। तो अब राजस्थान की तरफ से भी अंदर खाने की बात चर्चा है कि राजस्थान जो वन विभाग है उसमें भी लोगों की तैयारी शुरू कर दी है, खासकर की डॉक्टर DN पांडे की बात करें या ATM शरद अग्रवाल की स्तर पर बात करें और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अजितम तोमर, ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने मुकंदरा के जो कहते हैं वो मुकंदरा के जो फील्ड डायरेक्टर हैं एस सिंह, उनके साथ मिलकर के इस बात की तैयारी शुरू कर दी है कि वहां पर चीतों का किस तरह से पुनर्वास किया जाएगा। पहले उनको बड़े एनक्लोजर में छोड़ा जाएगा और उसके बाद उनको उनकी हार्ड रिटेलिंग की जाएगी। तो ये लेकिन राजस्थान बहुत बड़ी बात है, करीब 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका, 7 दशक से ज्यादा का समय हो चुका जब राजस्थान के अंदर चीतों को नहीं रखा गया था, लेकिन अब कहता ना जैसे मैंने पहले भी कहा दिख रहा है खुद पर, जल्दी ही राजस्थान के अंदर चीते आने वाले हैं। कूनों से 3 चीतों को राजस्थान के मुकंदरा में ट्रांसलोकेट किया जाएगा, इसके लिए NTCA की तरफ से प्रोग्राम फाइनल किया जा रहा है, फाइनल हो जाएगी समारोह आयोजित करके तीनों चीतों को राजस्थान के मुकंदरा में छोड़ा जाएगा, उनके लिए विशेष व्यवस्था जैसी यहाँ पर की जाए। बिल्कुल निर्मल जी, और ऐसा अगर हो जाएगा जल्द से जल्द तो राजस्थान चूंकि टूरिज्म हब बन रहा है और आने वाले दिनों में इसके बाद और भी ज्यादा टूरिज्म के द्वार खुलते हुए संभावनाएं खुलती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।